अपराधियों में खौफ नहीं है पुलिस का। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को तुरंत ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोग उद्दलते हैं, कल शाम को मार्केट बंद होने की भी संभावना जिस प्रकार से बताई जा रही है, कल मॉर्निंग में मार्केट बंद रहेगा, किस प्रकार के लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई है? देखिए, अपराधी कोई भी हो, किसी का भी संरक्षण हो, हमारी सबकी मांग यही कि इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो उद्वेलित होना स्वाभाविक है, इसलिए प्रशासन गंभीरता से इसको ले और तुरंत गिरफ्तार करे। निश्चित तौर पे युवा हैं और रोड पे खड़े हैं, आप आए थे उस वक्त, आपने समझाइश भी की है, कैसे देखते हैं आप इसे? युवा खड़े हैं, वास्तविक में सही खड़े हैं। जो मर्डर हुआ है वो वास्तव में शेर के लिए और चित्तौड़गढ़ के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें मैं मान सकता हूँ ये सरकार की आए दिन घटनाएँ हो रही है, सरकार अपनी तरफ से फेल है और प्रशासन को भी इसमें सतर्कता बरते हुए इनको लोगों की जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तो चित्तौड़गढ़ के बाजार भी आने वाले दिनों बंद रहेंगे। उसमें हम सब लोग, सांसद साहब हो, मैं हूँ, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग इनके कंधे से कंधे मिलाकर हम सब लोग, हमारे रात दो दिन रुकना पड़े, चार दिन रुकना पड़े या दस दिन रुकना पड़े, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम लोगों से बच्चों के हम खुद ही साथ हैं। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी से ये भी जानना चाहेंगे, एसपी से आपकी भी बात हुई है, किस प्रकार की बातचीत हुई और किस प्रकार का सामने सुझाव? ठीक है, हमने स्पष्ट रूप से कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग कोई भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक नहीं अनेक घटनाएँ, चाहे करौली हो, जोधपुर हो, भिलवाड़ा हो और उसके बाद चित्तौड़ की इस प्रकार की घटना, इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार का अपराधियों में खौफ नहीं है और इसीलिए अपराधी खुलेआम इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और चित्तौड़ शहर में इस प्रकार की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने स्पष्ट कहा है पुलिस अधीक्षक महोदय को कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी हैं, विधायक चंद्रवान सिंह आ क्या है, पुलिस अधीक्षक से बात हुई है और साफ शब्दों में कहा है कि तुरंत प्रभाव से जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अब देखने वाली बात यही होगी कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और जो भीड़ उद्वेलित है वो किस प्रकार से माहौल क्रिएट करती है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।